अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे आज। अच्छा, जिस जिसको मीठा पसंद है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताए कि मीठे के क्रेविंग जितनी होती है ना, वो फिर कंट्रोल नहीं होती डाइट के बगैर ही। आज हम बना रहे हैं केक रस का मीठा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, इसमें चाहिए हमें केक रस, क्रीम, कंडेंस मिल्क और कॉफ़ी। आपने गोल्ड कॉफ़ी नहीं लेनी है। गोल्ड कॉफ़ी का जो थोड़ा ना फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो मेरे पास ये रेड मग कॉफ़ी है नेस्ले की, और आप यही यूज़ कीजिएगा। और कहीं कहीं पे ज़्यादातर लोग डेविडोफ भी पीते हैं, डेविडोफ भी आप यूज़ कर सकते हो। और आपने क्रीम लेनी है, क्रीम के अंदर 2 टेबलस्पून आपने दूध डालना है, उसको अच्छी तरह से फेंट के जिस तरह ये टेक्सचर बनाए आप इसी तरह से टेक्सचर बना लें। कॉफ़ी आप रेडी कर लें। कॉफ़ी में मैंने 1 कप पानी में मैंने 2 टीस्पून मैंने डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए उसका फ्लेवर। ऐसे केक रस की लेयर लगानी है आपने। ये मैंने केक रस लिए थे, ये छोटे छोटे थे, मुझे नहीं था पता कि इसमें छोटे छोटे होंगे। बहरहाल है तो केक रस ही है ना, तो इसमें आपने ये ऊपर नीचे केक रस की लेयर लगानी है, फिर उसके ऊपर आपने कॉफ़ी की लेयर लगा देनी है। आपने सबको सोक करना है, इसमें जो केक रस है उस सब के ऊपर कोई भी कोना आपका खाली नहीं जाना चाहिए, ताकि वो सारा फ्लेवर वो केक रस में चला जाएगा। फिर आपके अकॉर्डिंगली आपने जितनी क्रीम ऊपर यूज़ करनी है, मैं आप लोग विप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विप क्रीम को विप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं ये टेट्रा पैक की जो क्रीम है ना, ये मैं ले लेती हूँ, थिक क्रीम जो है। इसमें दूध डाल लेंगे ना आप, थोड़ी सी वो पतली हो जाएगी, तो वो उसका बहुत मज़े का टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर ना आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना स्वीट चाहिए आपने कंडेंस मिल्क उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये एक लेयर नहीं, ये आप जितनी चाहे मर्जी लेयर्स बना सकते हैं। मैंने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको बनाया। ये मेरा सिर्फ एक छोटू सा ही इस्तेमाल हुआ था कंडेंस मिल्क का। फिर ये ऊपर आप दोबारा से लेयर लगा दें, और यकीन करेंगे 2 मिनट में आपका डिज़र्ट रेडी हो जाता है। 10-15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखे, ठंडा करके आप लोग इसको अच्छे से ठंडा चिल आउट करके आप इसको कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं। कॉफ़ी का मग बनाएं, कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी केक खाएं, और ये बहुत मज़े का बनता है, ट्रस्ट मी। आप लोग ट्राई करके आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि किस किस ने ये ट्राई किया, ठीक है। और फिर आप दोबारा से लेयर लगा दें आपके जितने गेस्ट हैं, आप जितने गेस्ट के हिसाब से। अच्छा, ये मैं जितना बना रही हूँ ना, ये एटलीस्ट 4 गेस्ट के हिसाब से ये बन जाता है। मतलब एक छोटा सा पैकेट मैंने केक रस का लिया, छोटा सा कंडेंस मिल्क मेरा यूज़ हुआ, और हाँ क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल हो क्योंकि वो लेयर्स लगती हैं तो वो इस्तेमाल हो जाती है। उसके ऊपर आप डेकोरेशन के लिए हल्की सी पिंच के साथ आप ड्रिजल काट दें इसके ऊपर कॉफ़ी, और आप इसको चिल आउट करके ठंडा करके, ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। जब आप ठंडा करेंगे और भी आपको मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।